चर्चा कर रहे हो, सिर्फ यही चर्चा कर रहे हो, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। महंगाई पे कौन चर्चा कर रहा है? एबीपी माजा देख लो, इंडिया टीवी देख लो, देश का नंबर वन वही दिखाते हैं। सब सारे मुद्दों को बाजू में रख के ये धर्म का नाम, राम मंदिर, ये दिए कुछ नहीं होता। वो भारतीय जुमला पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ईडी भेज दो उसके घर पे, सीबीआई का नोटिस भेज दो, बस उसको बुलाने की जरूरत नहीं, आप ही वो पट्टा पहन लेगा बीजेपी का। संविधान धोखे में, कोई चीज संविधान से नहीं चल रही। कुछ साल पहले आप गौतम अडानी का हिस्ट्री देख लो ना, कौन थे वो, कौन जानता था उनको? महंगाई तो बहुत ज्यादा आसमान छू रही है। हाँ हो जाते हैं, पहले से बहुत काम ढीला है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज में। इस वक्त मैं यहाँ दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट सरोजनी मार्केट में यहाँ पर आई हूँ। दिवाली की धूम मची हुई है, लोग शॉपिंग के लिए जुट चुके हैं। और सोचिए दोपहर का टाइम है, लेकिन दोपहर में जितनी भीड़ यहाँ पर होनी चाहिए थी। दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर अभी जितने भी लोग आए हैं उनसे आपकी रूबरू भी करवाएंगे। लेकिन ये देखिए कि मगर ये सरोजनी नगर मार्केट है, यहाँ पर चाक चौबंद भी है, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी खड़े हुए हैं, पुलिस भी खड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर हर तरीके की पाबंदी भी की गई है और हर प्रिकॉशन को यहाँ पर सुविधा अनुसार अपनाया भी जा रहा है। मगर ये देखिए कि पहले ये सरोजनी नगर मार्केट है जहाँ पर भीड़ काफ़ी देखी जाती थी, लेकिन अभी त्यौहार का टाइम है लेकिन भीड़ अभी इतनी दिखने ही नहीं है। क्योंकि अभी शुरुआत आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर सजावट का जो दिवाली पर सामान बिकता है वो सजावट का सामान भी है। तो आंटी, ये सजावट का सामान कब से लगा रही हैं आप? ये कल से लगाया हम लोग। कल से लगाया है, अभी तक कितना सामान बिक गया है आपका? बिक गया, 3-4 जोड़ा बिका है। 3-4 जोड़ा ही बिका है, सारे दिन में 3-4 जोड़ा बिका है। क्या करे, तो अभी भीड़ तो हुई नहीं है। पहले से ज्यादा बिक्री नहीं हो रही है या अभी बिक्री हुई है? पहले से ज्यादा नहीं बिक्री हो रही है। पहले से ज्यादा नहीं हो रही है, नहीं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये सजावट का सामान है। और सामने जो है, अभी मैं और भी ले चलूंगी। ये तो सजावट की सामान की बात हो गई, त्यौहार है, त्यौहार का सीजन है। लगातार जो मार्केटों में भीड़ दिखनी चाहिए थी वैसी भीड़ दिख नहीं पा रही है। ये सामने देखिए, ये मूर्ति, खूबसूरत मूर्तियां हैं, ये मूर्तियों की इनकी स्टॉल है। तो आंटी, ये कब से लगा रही हैं आप? 25 साल हो गए मेरे को लगाते। 25 साल हो गए, फिर इतने आज देन करे, आज ना मूर्ति बिक रही ना रौनक है। रौनक भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं, मूर्ति वैसी पड़ी हुई पूरी भरी। लोग नहीं ले रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही? भीड़ ही नहीं है, भीड़ तो हो रखी है, मतलब बिक नहीं रही है हमारी मूर्ति। अच्छा, पहले से, मतलब पहले से ज्यादा बिक्री नहीं? अब तो ये साल तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो कोरोना टाइम था उसके 2 साल बाद अभी इतनी रौनक आई है मार्केटों में, मार्केट में लोग आए हैं, तो फिर भी यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं हो? नहीं, इतनी भीड़ नहीं। कारण बता सकते? भीड़ तो बहुत होती है पर आज जैसा मजा नहीं आ रहा है। जैसे 25 साल मार्केट है दिल्ली का, इतना बड़ा मार्केट है, आज धनतेरस भी है, दिवाली आने वाली है। एक मार्केट है हमारी सरोजनी नगर के थाने के भी बीट वाले बहुत अच्छे है, वो कुछ तंग नहीं करते, ना एंडमिसी तंग करती है। हम ना अपने मर्जी से लगाई, ना किसी ना लगा, वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं परेशान करते। तो मगर पहले से ज्यादा बिक्री नहीं हो पा रही है? नहीं हो रही, पता नहीं, मतलब ऐसा है बार बार हटा लो, ये थोड़ा हम ही डर के मारे भाग जाते। तो ये देखिए, अभी जो है ये मूर्ति लगा रखी है इन्होंने, खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर काफी देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा रश नहीं दिख रहा है अभी, जैसा कि आंटी ने भी बताया, जो मूर्ति बेच रही हैं। सामने जो है कपड़े की मार्केट भी है और यहाँ पर अभी मैंने सजावट का सामान भी दिखाया, कुछ लोग आए हैं शायद, देखते हैं और भी लोगों से पूछते हैं कि कैसा है दिवाली का मार्केट इस बार। तो शॉपिंग पे जो लोग आए हुए हैं, ये देखिए बच्चों के कपड़े वगैरह भी बिक रहे हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी है। काफ़ी पूछ लेते हैं आंटी से, आंटी ये कॉस्मेटिक्स का सामान है आपका? हाँ जी। पहले से बिक्री हो रही है आपकी? नहीं, पहले से तो काफ़ी डाउन है, पहले से डाउन है। हाँ, कारण क्या है डाउन? काफ़ी लोगों से अभी मैं पीछे भी पूछ, महंगाई है? महंगाई है मैडम, है महंगाई, वाकई वाकई बात है, महंगाई है। 25% भी नहीं रह गया है काम। पहले से मतलब रौनक ज़्यादा हुई है या घटी है? घटी है।
इतनी जितनी अभी दिख रही है इससे ज्यादा होती थी हमेशा त्योहारों पे? हाँ, इससे ज्यादा होती थी, कई गुना ज्यादा होती थी, पर अब नहीं होती है। अब नहीं हो रही है। कितने टाइम से आप ये दुकान लगा रही हैं? मुझे कम से कम 17-18 साल हो गया। 17-18 साल हो गए। तो अभी आपकी सुबह भर से अभी तक कितनी कुछ बिक्री हुई? मैडम 2-3 हज़ार रुपए का सेल हुआ है अभी तो, बस उससे ज्यादा भी नहीं हुआ है। बाकी उम्मीद भी नहीं है, सैटरडे है जो कि रश ज्यादा होती है इस मार्केट में। सैटरडे संडे त्योहार तो आ चुका है, दिवाली है, धूम होनी चाहिए जिस तरीके से। धनतेरस है, दिवाली भी आ चुकी है, लोग पहले से शॉपिंग करने आ जाते हैं, पर यह रश नहीं है। आप देखिए मार्केट में घुमाकर कैमरा देखिए, कोई रश नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये देखिए 17-18 सालों से ये दुकान लगा रही है, कॉस्मेटिक का सामान है, पहले से बिक्री है ही नहीं। यहाँ पर कुछ पब्लिक भी आई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं भजनपुरा से आया हूँ। भजनपुरा से आए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं त्योहार की? जी जी बिल्कुल। तो पहले से कुछ खरीद पाए हैं या सिर्फ देख ही रहे हैं सामान पे हाथ रख? नहीं नहीं, अभी जस्ट आए हैं। अभी आए हैं। तो महंगाई हो रही है या सामान का लगभग वही पहले जैसा रेट है? नहीं, कुछ तो है फर्क, तो है कुछ, मतलब महंगाई। हाँ, कुछ तो है फर्क है। तो इस बार कितना खरीदारी करके जाएंगे? देखते हैं, अभी तो घूम रहे हैं। जो पसंद आए तो ले लेंगे। अभी तो ये, चलो ये इनकी शुरुआत है, अभी तो ये एंट्री की है इन्होंने, अभी सामान खरीदेंगे। तो बाकी अभी और भी शॉप जो लगाते हैं, शुरू से लगाते आ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? यास्मीन। आप खरीदारी करने आई है त्योहार की? जी। कितना खरीदारी कर ली है लगभग? बहुत सारा। बहुत सारा। पहले से ज्यादा खरीदारी कर पाई है या पहले से कम? पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा, पैसा ज्यादा आ रहा है? हाँ। बस सरकार दे रहे हमने। सरकार दे रही है पैसा? हाँ। अच्छा, चलो इन्होंने खरीदारी की है, गर्ल्स है, गर्ल्स मार्केट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गर्ल्स की भीड़ अच्छी खासी होती है। चश्मा नहीं बिक रहा है, एक बार इधर भी दिखा दीजिए, इनका चश्मा नहीं बिक रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनवर। गुटखा बड़ा खाते हैं आप? बहुत खाता हूँ गुटखा। गुटखा मत खाइए, फेफड़े गल जाएंगे, वैसे ही महंगाई है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अस्पतालों की हालत तो पता ही ना, तो ऐसे भी है ना। चश्मा बेचते हैं? हाँ जी। कितना बिक्री हो गई है? हो गई 2000 की। 2000 की हो गई? खुश दिख रहे हैं लग रहा है। खुश हूँ मैं, हरदम खुश रहता हूँ। ये बताइए, पहले से बिक्री कम हुई है ज्यादा हुई है? पहले तो बहुत होती थी, आज दीपावली के धनतेरस है ना, इसलिए कम है बिक्री। धनतेरस की वजह से कम है? त्योहार के दिन तो और होनी चाहिए। नहीं हो रही ना? नहीं हो रही है। आप ही बेचते हैं कुछ? गुच्ची, दिस गुच्ची। ये परफ्यूम्स बेचते हैं जो कैसे बेचते हैं मतलब? ये जी, ये परफ्यूम्स बेचते हैं, पहले से खरीदारी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, बट बहुत कम हो रही है। कम हो रही है? बहुत ज्यादा कम हो रही है। महंगाई है क्या? महंगाई तो बहुत ज्यादा, आसमान छू रही है। आसमान छू रही है और क्या। ये कुछ वैसे लोग भी आए हुए हैं यहाँ मार्केट में, तो ये देखिए भैया, क्या नाम है आपका? कुछ दिख रहे? अरे वाह, फोन पे बिजी है ये थोड़ा सा, भैया सामने कैमरा है, ये थोड़ा बिजी थे, हो सकता है बात बतिया रहे होंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये आप ज्वेलरी वगैरह ये बेचते हैं है ना जी? तो पहले से ज्यादा बिक्री हुई है क्या अभी? तो हाँ, पहले से तो कुछ फिलहाल ठीक हो रहा है अभी। पहले से बिक्री हो रही है? हाँ, हो रहा है। ज्यादा मत बोलने, कम है? कमी है, मतलब फिर भी मीडियम ठीक हो रहा है अभी, काम मीडियम है। अच्छा, पहले और अब के, मैं जैसे कोरोना, कोरोना से पहले जो 2 साल पहले जो मार्केटिंग थी, और अब जो 2 साल बाद जो मार्केटिंग हो रही है, वो ज्यादा हो रही है कम हो रही है? नहीं, फिलहाल तो ज्यादा ही हो रहा है अभी। ज्यादा हो रहा है? हाँ, कोरोना वक्त से ज्यादा ही हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई और काफी कम डाउन जा रहा है, लेकिन सेलिंग कम हो रहा है। भीड़ है लेकिन सेलिंग कम हो रही है, तो सोचिए त्योहार का टाइम है, भीड़ है, लोग हाथ रख नहीं पा रहे हैं सामान पर। और ये कपड़े की दुकान है, भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल। कब से लगा रहे हैं? 11 साल से। 11 साल से। हाँ जी। तो कपड़े की अच्छी खासी खरीदारी हो जा रही है आपकी? हाँ, हो जाते हैं, पहले से बहुत काम ढीला है। ढीला है, मंदा है, मंदा जा रहा है। तो यानी त्योहार पे जो भीड़ दिख रही है, भीड़ के हिसाब से काम नहीं है? भीड़ के हिसाब से काम नहीं है। तो ये भीड़ है, बस भीड़ आई हुई है, देख रही है, लेकिन खरीदारी बहुत कम हो रही है यहाँ पर। अभी मैंने 3-4 दुकानदारों से भी बात की, अभी यहाँ पर आए हुए काफ़ी लोग भी हैं, भीड़ पब्लिक जो है, पब्लिक दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो है खरीदारी उस हिसाब की है नहीं, पब्लिक दिख रही है। तो अभी और भी लोगों से पूछ लेते हैं, भैया का सजावट का सामान है, भैया कब से बेच रहे हैं? 2 महीना हो गए।
दो महीना हो गया जी। बिका है कुछ? हाँ बहुत बिक रहा है। बिक रहा है हाँ जी। अच्छी सेलिंग जा रही है, जैसी भीड़ दिख रही है वैसी सेलिंग हो रही है जी मैम। चलो इनकी बिक रही है क्योंकि सजावट का सामान है तो यहाँ पर बिक भी रही है। यहाँ पर काफी अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है लेकिन मार्केटिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए वो मार्केटिंग हो नहीं पा रही है। काफ़ी लोग भी हैं तो उनकी ओपिनियन भी जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कैमरा देख के लोग डर जाते हैं, कैमरा देख के लोग डर जाते हैं। ओनली ओपिनियन पूछ रही हूँ कि भैया क्या नाम है आपका? आपकी वाइफ बात नहीं कर पा रही है। करना क्या हो, घर की गृहिणी है क्योंकि ज़्यादा बेटर बता सकती है कि खर्चा बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी खरीदारी कितनी कर ली आपने? अभी तो कर ही रहे हैं। अभी कर ही रहे हैं, काफी लोग तो अभी आए आए हैं। तो अभी कितना यहाँ से ले जाने का मन है? अच्छी खासी पहले से ज्यादा मतलब हो रही है अभी? नहीं नहीं हाँ पहले से तो कम है, पहले की हाँ पहले से। जॉब करते हैं? हाँ प्राइवेट है। हाँ प्राइवेट है जी जी। तो कुछ गिफ्ट विफ्ट मिला दिवाली का या वो भी सूखा ही नहीं? नहीं मिला है। तो भैया भैया क्या नाम है? संदीप। आपकी ये शॉप कब से लगा रहे हैं? बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी? कितनी पुरानी? 50 साल पुरानी। 50 साल पुरानी है तब से लगा रहे? आपको तो मार्केट का अच्छा खासा यहाँ का पता होगा कि कितना सेलिंग होती है कितनी नहीं होती है। हाँ। तो अभी सेलिंग कितनी हो रही है? सेलिंग डाउन है। डाउन? हाँ वैसे नहीं चल रहा, खाली भीड़ है बस। खाली भीड़ है? हाँ। यानी ये देखिए कि भीड़ है बस, हाथ रख रही है मगर खरीदारी कर नहीं पा रही है। भीड़ देखने आई हुई है सामान, लेकिन सामान पे जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है ना कि लोग हाथ नहीं रख पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, बस भीड़ ही भीड़ दिख रही है। ये देखिए इनकी दुकान है, ट्रैक वगैरह बेचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सोन कुमार। कुछ खरीदारी हुई? कुछ नहीं, बोनी तक नहीं हुआ। आपकी दुकान पे कोई भी नहीं आया? सेल लगा के बेच रहा, कुछ नहीं, बोनी तक नहीं हुई। सोचिए ये भीड़ इतनी दिख रही है लेकिन उतनी कमाई हो नहीं पा रही है, लोगों की खरीदारी हो ही नहीं रही है। यहाँ पे लोग दाम पूछ रहे हैं लेकिन दाम पूछ करके निकल जा रहे हैं। तो ये देखिए ये है विडम्बना। आंटी क्या नाम है आपका? आंटी बोल नहीं पा रही। कुछ लोग तो कैमरा से ऐसे डल जा रहे हैं कि मतलब क्या ही पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी तो खरीदारी करने आई है त्योहार पे? हाँ तो और क्या करने आई है मार्केट मतलब में? खरीदारी कितनी कर ली है पहले से ज्यादा? सर दर्द हो गया, चक्कर आ गया, अभी कुछ नहीं खरीदारी करी। कुछ नहीं खरीदारी? थोड़ा बहुत। मतलब पहले से ज्यादा हाई जा रहा है खरीदारी में या डाउन जा रहा है? बहुत ज्यादा हाई हाई जा रहा है, मतलब सामान पे हाथ भी नहीं रख पा रहे हैं? नहीं इतना ज्यादा जा रहा है। दो साल बाद जबकि कोरोना के बाद इतनी रौनक दिख रही है मार्केट में लेकिन खरीदारी में कुछ फर्क रौनक ही दिख रही है और रेट तो डाउन नहीं हो रहे हैं बस। हाई तो देख लीजिए, ये गृहिणी है घर की, वो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। खरीदारी और इतना चक्कर आ गया है, सोचिए उनको घूमते घूमते लेकिन कुछ खरीद नहीं पाई है क्योंकि रेट्स जो है हाई है। तो सोचिए त्योहार तो बन रहा है, दिवाली आ चुकी है लेकिन शायद लगता है लोगों का दिवालिया निकल चुका है, लोग खरीदारी कर ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, बस भीड़ है, हाथ रख रहे हैं निकल जा रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं निकल जा रहे हैं। सामने ये बैग और ज्वेलरी की दुकान है, चूड़ियाँ हैं यहाँ इनकी खूबसूरत। क्या नाम है आपका? पूर्वा। पूर्वा आप दिवाली की खरीदारी करने आए हैं? हाँ। तो कुछ खरीदा अभी तक? अभी तो खरीदा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत खरीदा? हाँ। अच्छा पहले से ज़्यादा खरीदारी हो पा रही है या कम कर पा रहे हैं? वैसे तो अब ज़्यादा हो रही है, दिवाली का त्यौहार है तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन लोग तो बोल रहे महंगाई है, बहुत हाई रेट जा रहा है, तो हम इस बार ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, बट अभी तो दिवाली है त्यौहार है तो हम दिल से बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये तो खरीदारी कर रही है, अभी एक गृहिणी से मैंने पूछा तो वो बोल रही कि हाथ नहीं रखा जा रहा सामानों पे। तो कुछ लोग हैं जो खरीदारी कर पा रहे हैं जिनकी अच्छी आय है। क्या नाम है आंटी आपका? कुछ तो लोग बच के निकल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिख रही है मगर लोग। क्या नाम है आपका मैम? क्या नाम है आपका? कुछ लोग तो कैमरा देख के ऐसे डर जा रहे हैं जैसे कुछ और ही पूछ लिया। क्या नाम है आपका? हाय मेरा नाम अंशिका है। अंशिका, अंशिका कुछ खरीद लिया दिवाली के लिए? हाँ अभी वही शॉपिंग ही चल रही है। अच्छा मतलब कैसे है रेट्स, पहले से डाउन हाई? एक्चुअली मुझे तो लग रहा है दिवाली के टाइम पे थोड़े हाई कर दिए हैं, हाई कर, लेकिन कुछ जैसे अभी ये वाले हैं कुर्ते वगैरह, कुर्ता सेट है, ये तो मुझे थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। बट वैसे जैसे आप अंदर की साइड जाओगे मार्केट में तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कॉस्टली
ही कर दिया है। अच्छा, अच्छा कुर्ते ही खरीदेंगे या कुछ और भी खरीदेंगे दिवाली? मैंने ले लिया है काफी कुछ, ले लिया है। हाँ कुर्ते लिए हैं, इयररिंग्स लिया है और टॉप वगैरह सब लिया है। अब विंटर्स भी आ रही है, विंटर्स के लिए भी थोड़ा बहुत ले लिया है। पहले से महंगा महंगा लग रहा है यानी कि अंदर की साइड महंगा लग रहा है, बाहर की साइड तो फिर भी रेट्स रीजनेबल है। तो इन्होंने तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर ली है, गर्ल्स हैं तो वही इयररिंग्स वगैरह और ज्वेलरीज उनका हमेशा से पैशन रहा है और कुर्तीज़ वगैरह। बाकी अंदर और भी लोग हैं, किसी के हाथों में पन्नियों की जो बाहर है वो दिख रही है, बाकी लोगों के हाथों में जो है दिख नहीं पा रही है। आंटी क्या नाम है आपका? हाँ ये बोल नहीं पा रही, क्या नाम है आपका? अभी नहीं मैं। ये भी खरीदारी में बिजी, बहुत बिजी है। हाँ बहुत बिजी है, ये बहुत अच्छी से खरीदारी कर रहे हैं, तो ये ट्रैक व्रैक ले रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग हैं, काफी लोग कैमरे से बचते हैं, कैमरा देख के लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन काफी लोग। क्या नाम है सर आपका? संजीव। संजीव जी अभी मेरे को लगता है शायद एंट्री की है आपने। हाँ जी। हाँ तो अभी खरीदारी करने आए हैं। हाँ जी। तो पहले से कैसे प्राइसेस कैसे हैं, रीजनेबल है या हाई हो गए? हाई हो गए। महंगाई है बहुत ज्यादा। ज्यादा है ज्यादा। आपके लिए भी आफ्टर ऑल आदमी जो काम करता है तो पैसे की मेहनत तो करते ही है, तो कीमत तो। क्या नाम है आपका? अल्पना। अभी कुछ खरीदारी कर ली है आपने? हाँ सोफा कवर वगैरह सारा कुछ लिया हुआ है। अच्छा पहले से रीजनेबल प्राइस में मिला है या फिर महंगाई हो रही है? ठीक है ठीक है, मतलब ठीक ठीक है। हाँ ठीक ठीक। अच्छा पहले से ज्यादा अभी शॉपिंग करके जाएंगी या पहले से कम? देखते हैं देखते हैं। हाँ। अच्छा दो साल बाद इतनी मतलब रौनक तो दिख रही है, लोगों से मैंने अभी ओपिनियन जानी तो कह रहे कि हाथ नहीं रुक पा रहे, काफी महंगा है सामान, ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है, भी लग रहा है। महंगा तो है, पेमेंट तो है, महंगा है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए महंगाई भी है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो यही है कि जिसकी आय अच्छी है तो उसके लिए महंगाई नहीं है, जिसकी आय थोड़ी डाउन जा रही है तो वो उसके लिए भाई घर चलाना ही मुसीबत हो जाता है, तो फिर दिवालिया तो निकल ही जाता है, मुसीबत हो गई है। क्या नाम है? मेरा नाम है किरण लोहार। शॉप लगा रखी आपने? आपकी शॉप? शॉप लगाया नहीं, मैं खरीद करने आए हैं। हाँ खरीदी करने आए हैं। तो महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है, लेकिन इसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर रहे हो ना? चर्चा कर रही हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ। क्या क्या चर्चा कर रहे हो? सिर्फ यही चर्चा कर रहे हो, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, महंगाई पे कौन चर्चा कर रहा है? पत्रकार कोई नेता को पूछ रहा है कि महंगाई क्यों इतनी हो रही है? कांग्रेस के जमाने में 450 रुपया बाटला था, 350 रुपया गैस का बाटला था, अब 1100 रुपया हो गया, लेकिन कोई महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं है? आप लोगों को गुमराह मत करो, मतलब पत्रकारों को मेरी विनंती है। लोग आपको चौथा स्तंभ समझते हैं, जो लोग टीवी पे देखते हैं वो सोचते हैं पत्रकार हमें सही दिखा रहे, लेकिन पत्रकारों की मेरी विनंती है उनको गुमराह मत करिए, जो सच्चाई है वो दिखाइए। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप पूछ लीजिए जाके कि बाबा 450 का बाटला था तो स्मृति ईरानी सर पर लेके घूम रही थी बाटला, सब जगह आंदोलन कर रही थी, आप कहाँ गई स्मृति ईरानी? कि महंगाई नहीं है ना, डॉलर मजबूत हो रहा है, पैसा क्या मजबूत हो रहा है? मंत्री कहती है डॉलर मजबूत हुआ है, पैसा कमजोर नहीं हुआ। हाथ से दबा रहे तो चॉकलेट के जैसा ऐसा टेढ़ा हो रहा है डॉलर। किस डॉलर की बात कर रही है? कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है उसने? उसको इकोनॉमिक्स पता है क्या स्मृति ईरानी को? नहीं वित्त मंत्री। कौन है वित्त मंत्री? सीतारमन। वो लोगों को गुमराह कर रही है। देखो आप कितना गिर रहा है, बढ़ रहा है डॉलर, महंगाई, फिर महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है? आम आदमी महंगा, आम आदमी जल रहा है इसमें आम आदमी जल रहा है बस, बाकी कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा है। कोई पत्रकार हो, देखो आपकी सारी पत्रकारिता कहाँ जा रही है? लोगों को न्याय दे रही है? पत्रकार है जो ये नहीं दिखा रहे हैं। एबीपी माजा देख लो, इंडिया टीवी देख लो, देश का नंबर वन वही दिखाते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं कि नंबर वन है ना? नहीं, कौन चुन के देता है उनको देश का नंबर वन? कौन बोलता है? कोई वोटिंग करता है, कोई पब्लिक वोटिंग करने जाती है पत्रकारों को कि ये देश का नंबर वन चैलेंज है? बस आप ही चला लेते हो प्रोपोगेंडा बना लेने का, बस वहाँ से पर्ची आएगी, आप पढ़ोगे और वो प्रोपोगेंडा टीवी पे चलाएगा, लोगों के दिमाग में भरता जाएगा। बस बोल रहे हो गैस का बाटला, आपके घर में 450 में आता है बाटला? आप भी तो आवाज उठाओ ना, आप भी तो पूछो पब्लिक, आप भी तो नेताओं को पूछो कि 1150 का बाटला हो गया, इसके ऊपर कोई नेता क्यों नहीं बात कर रहा है? तेल की कीमतें क्या थी? 80 रुपये तेल की कीमती थी, आज 200 रुपया तेल चला गया, फिर कैसा डॉलर मजबूत हो रहा है? चला गया, देखिए अयोध्या नगरी में तो 1.5 लाख दिया जलाया। अरे दिया जलाने से लोगों का पेट जल रहा है, उसका पेट भर रहा है या पेट जल रहा है?
ये सब प्रोपोगंडा जो आप चला रहे हो, आप तो समझ लो आपके घर में तेल 100 रुपए पैकेट आ रहा है क्या? मैं तो पूछने ही आई हूँ, तभी तो लोगों की ओपिनियन जानना। मुझे मत पूछो, आप किसी मंत्री को किसी नेता को पूछो बीजेपी के, राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा किसी का। हम भी भक्त है लेकिन राम का नाम लेने से पेट भर जाएगा? ऐसा तो हो ही रहा है कि राम मंदिर में नहीं, ये ट्रैक पैंट खरीद रहा हूँ, राम का नाम ले लूंगा, इसने भक्त का टीका लगाया तो क्या मुफ्त में दे देगा या 100 रुपए में दे देगा? जो मुद्दा है, जो मुद्दा दिखाया जाता है, धर्म का मुद्दा बड़ा है या रोटी का मुद्दा बड़ा है? रोटी का मुद्दा बड़ा है। अरे जब रोटी खा के इंसान जगेगा तो धर्म का नाम लेगा ना। क्या राम का नहीं, अगर ये राम का नाम लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे चल जाएगा? राम का नाम लो सबको। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है उसके लिए तो मंदिर ही चाहिए लोग। अरे हिंदू बोलने से उसका पेट भर जाएगा क्या? ये धर्म के नाम से ही सब बहकाया जा रहा है ना, आदमी को धर्म के नाम से बोल के खुश किया जा रहा है। वो अगर ये राम का नाम लेगा तो खाना खाने की जरूरत नहीं लगेगी उसकी परिवार को, तेल नहीं लगेगा, गैस नहीं लगेगा, हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं, ये सब भगवान को मानते हैं। लेकिन ये सब सारे मुद्दों को बाजू में रख के ये धर्म का नाम, राम मंदिर, ये दिए, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता है। इससे ही पेट भरेगा ना। क्यों, आप रोटी नहीं खाएंगे तो पेट भर जाएगा आपका? आप लो राम का नाम जपते फिरो, मैं देखता हूँ कितने दिन घूमते हो आप। भक्ति सभी करते हैं, सब भगवान को मानते हैं, अपने अपने धर्म को सब मानते हैं, किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, अल्लाह चाहिए, सिख चाहिए, ईसाई चाहिए, सब चाहिए। लेकिन रोटी भी तो चाहिए ना भगवान का नाम लेने का। सुबह जब नाश्ता करेगा तब तो नाम लेते घूमेगा क्या? दिन भर मोदी जी बोल देंगे राम मंदिर बना रहे तो लोग भूखे जिएंगे? इस मुद्दे को आप उठाओ, आप दिखाओ, आप नेताओं को क्वेश्चन करो। करते हैं जाते हैं नेताओं से। चलो आपने मुझसे, नेता बच के निकल जाते हैं कि माफ कीजिए, गाड़ी में बैठ जाते हैं। पत्रकार अगर ठान लेंगे ना, पत्रकार, कोई नेता बच के क्या जाएगा? कोई नेता कैसे बच के जाएगा? आज सब ईडी की जो लोग घूम रहे हैं, सीबीआई, ईडी, ईडी काम कर रहे हैं ना, 14-14 घंटे काम करते हैं ना नेता लोग। कौन से नेता 14 घंटे? आपने देखा है 14 घंटे क्या काम करते हैं? बोलते हैं। अरे बोलते तो आप दिखाओ ना जनता को। लोग इधर 12 घंटे जॉब करके 10,000 नहीं कमा पा रहे, मेरे को आप बताइए आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी तनख्वाह छोड़िए, आप बताइए। नहीं, नहीं, अरे आप भी तो एक जनरल इंसान ही है ना, नौकरी कर रहे ना, कि सरकार आपको डायरेक्ट पेड सैलरी भेज रही है, नौकरी कर रहे ना 12 घंटा, ये लोग 14 घंटा धंधा कर रहे तो भी धंधा नहीं हो पा रहा है। जनता के पास पैसा है किधर? सब लोग ये देखो, ये ने तो गाड़ियों में घूमते थे, ये पैदल घूम रहे, आज सोच रहे 100 की 50 में मिल जाएगी तो, लेकिन मिल किधर रही है, इतनी महंगाई हो गई है। जब जो चीजें से जो मैन्युफैक्चरिंग तैयार होती है, जो चीजें वहाँ से बनती तो है, वो अभी, से अभी आपने कुछ भी खरीदारी नहीं की। हाँ कैसे करेंगे, इतनी महंगाई हो गई है। जो लोग खड़े जो लोग बेचने के लिए खड़े, वो तो फ्री थोड़ी लाते, वो भी महंगा खरीद के लाते, वो महंगा ही देंगे ना जनता को। ऐसा थोड़ी है 10 रुपए में ट्रैक पैंट दे रहे मोदी जी इनको तो ये हम लोग को 20 में बेचेंगे। वो लाएंगे 180 की तो 20 रुपया तो पेट के लिए कमाएंगे ना। अभी उन्होंने टीका तो लगाया है, लेकिन राम नाम का जपने से वो मुझे फ्री में थोड़ी दे देंगे। टीका अच्छा लग रहा है उनका? अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं है उसमें, अच्छा लगना ही चाहिए, सब अच्छा लगेगा। लेकिन जो आम जनता जिसकी पॉकेट कट रही है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर बात नहीं, नहीं बात बात यही हो रही है, मंदिर मस्जिद, ये मस्जिद गिर रहा है, ये मंदिर बन रहा है, इससे लोगों की समस्या हल नहीं होने वाली। हिंदू राष्ट्र चाहिए ना लोगों को। अरे हिंदू, अरे हर एक को उनके धर्म का राष्ट्रीय चाहिए, ऐसा नहीं होता। हिंदू राष्ट्रीय से आप देखो, फिर आप प्रोपोगंडा चला रहे, आप बात कर रहे हैं क्या महंगाई की, इतना हो गया, आप सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हो। बोला कि मुद्दा धर्म का है और इसका है और इसका है, तो भैया लोगों को भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम दिख रहा हूँ आपको, मैंने टीका नहीं लगाया इसका मतलब मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा है क्या? आपको लग रहा है क्या मैं मुस्लिम हूँ? नहीं ना, मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा थोड़ी है ना। लेकिन घर परिवार भी चलाना है ना, अभी दिवाली है, त्योहार तो मनाना है ना, त्योहार मनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना आपको, तो मोदी जी दे रहे क्या आपको, क्या हमें दे रहे? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली वो आपको भी समझ रहा होगा, दिल में आपकी खुशी हो रही है जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी भावना बोल रहा हूँ मैं। मुझे खुशी, हाँ। मैं देखिए निष्पक्ष पत्रकार कर रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ, ओपिनियन जान रही हूँ, तो अभी आपने खुल के बोला, अभी काफी लोग मिले हैं जो नहीं,
लोग तो बोलना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं बोल नहीं पाते। मतलब आप जब उनको सवाल सही करोगे तो वो जवाब देंगे ना। आप पूछेंगे उनको राम मंदिर बन रहा है तो वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं बुरी बात है, अच्छी बात है, बनने दो, क्यों नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, लोगों को रोजगारी कहा है। किसी पत्रकार ने पूछा क्या मोदी जी को कि वह सालाना 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, कहा गए रोजगार 2 करोड़ छोड़ दो, 50 लाख तो रोजगार दो सालाना। सिर्फ दावे वादे रह गए हैं यानी। अरे सब दावे वादे नहीं, सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है बस। और 2023 में तो 30 लाख मिलने वाली है नौकरियां। किसको बोल रहे हैं छोड़ो, देखो मोदी उनके जो सहकारी है ना अमित शाह जी, वो तो बोलते हैं ना, ये कोई वादे विदे नहीं होते, ये जुमले होते, उन्हीं के लिए जुमले ही है वो। भारतीय जुमला पार्टी है वो, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है वो, बरोबर है ना। आप मेरे एकदम सही वक्त में मिले हो मुझे आप। चलिए तो अभी तो जो है देखिए चुनाव भी चल रहा है। मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ, मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। लेकिन जो नहीं, कोई पत्रकार ने पूछा कि इतने MLA खरीदे जा रहे हैं, कौन खरीद रहा है इनको? सर लोकतंत्र के हिसाब से वोटिंग का अधिकार दिया है ना, जनता वोटिंग करके चुन के लाती है ना। तो Schedule 10 के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? उनकी सारी मनमानी चल रही है, आप देखिए हर राज्य में वही हो रहा है, चुन के कहाँ से भी आ जाओ बस। अब तो 2024 नहीं, एजेंसी लगा दो पीछे, आप ही आप बीजेपी के आप भागते आ जाएंगे बस। ED भेज दो उसके घर पे, CBI का नोटिस भेज दो बस, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, आप ही वो पट्टा पहन लेगा बीजेपी का, ताकत है। हाँ बस 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 बस, पट्टा डाल दो गले में, खींच लो। उनके पास वॉशिंग मशीन है और गुजरात का पाउडर है, पाप धुल जाते हैं। यस यस यस, क्यों? जो लोगों के ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है, BJP में जो भी नेता है, जो भी मंत्री है, सब दूध के धुले। अरे पानी से तो धो लो, दूध की बात छोड़ दो, पानी से तो धुल लो खुद को। हर एक के घर पे ED आ रही है, CBI आ रही है, हर चीज हो रही है, लेकिन एक बार BJP की नेता गोर गरीब है, छोटे कोठी में रहते है क्या वो? वो भी तो बंगलों में रहते है ना, तो उनकी इनकम क्या, उनकी हिस्ट्री एक बार देख लो। सबको समानता का अधिकार दे रहे हैं, बोल रहे सब सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं नहीं, संविधान धोखे में, आने वाले 2 साल में आपको भी पता चल जाएगा, संविधान धोखे में, कोई चीज संविधान से नहीं चल रही। सरकार उनकी है, राष्ट्रपति उनका है, या कोई एजेंसी, सारे उनके अंडर दबके काम कर रहे, ये तो मैं सीधा बता रहा हूँ। 2024 में जो है अभी लगातार जो कि मोदी जी वहाँ दौरा कर रहे हैं गुजरात में, केजरीवाल जी देखो भले बोलते हैं ना लोग सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर है, लेकिन चुनता कौन है? राष्ट्रपति ना। राष्ट्रपति किसके अंडर है? किसके अंडर है? मोदी जी के अंदर। पहले कांग्रेस सरकार में, नहीं कांग्रेस सरकार में सब अपने अपने तरीके से चलते थे, जिनके पास जिन पावर थी उनके हिसाब से वो चलते थे। अभी सब एक ही चलाते हैं, अमित शाह और मोदी जी, बाकी उनके आगे किसी की नहीं चलती। राष्ट्रपति है ना, मोदी जी चला रहे हैं, राष्ट्रपति तो बनाया। देखिए मुर्मू जी आई हैं, आदिवासी समाज कोई निर्णय ले रहे, देखा है मुर्मू जी को किधर कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी, कोई डिसीजन पे बातचीत हो रही है, होता है क्या कोई? मोदी जी ने 7 साल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मुझे बताओ, पत्रकार परिषद लिए क्या? बस एक स्टेज होता है, पीछे पर्दा होता है, वो माइक पे बोलेंगे और सारी जनता देखेगी। सामने कौन बैठा है कभी पत्रकारों ने दिखा है कि कोई जनता बैठी है और सुन रही है उनको? आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो ना, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको वीडियो नहीं दिया है, नहीं आते हैं जल्दी से, मन की बात कह देते हैं ना वो, अब मन की बात आने बोलने के लिए बहुत कुछ है मैडम मेरे पास, लेकिन इतना इनफ है आपके लिए, बस ये आप TV पे दिखा देना जी। और ये जो मैंने अगर नहीं यही चीज जो मैंने आपको बोली है ना, उसमें के 3 प्रश्न उनको पूछ लेना, जो अभी मैंने बोला है आपके पास ऑन रिकॉर्ड है कैमरे पे, उनको एक बार किसी नेता को उनको फेस करने बोल देना इन क्वेश्चनों पे, देखो आपको क्या जवाब आता है। हाँ झूठ बोल रहे हैं लोगों को, दिवाली में ये बांट रहे वो बांट रहे, अरे लोग अगर वो बांट रहे होते तो लोग इतने मार्केट में नहीं घूम रहे होते, अपने अपने घरों में होते। 100 रुपए में दिवाली वो करते हैं क्या? 100 रुपए में हमारे महाराष्ट्र में अफवाह फैलाई जा रही है कि दिवाली में 100 रुपए में सबको दिवाली का किट बांटा जा रहा है, किसको मिल रहा है किट? महाराष्ट्र में भी कैसा चल रहा है अभी सारा? देखो ना, आप पत्रकार हो, आप भी तो देखो, आपको सब समझ से है ना, इसलिए तो देख लो ना आप भी।
आज लोग जो बोल रहे हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे यहाँ पर चले गए, जब अढ़ाई साल उन्होंने मंत्रिमंडल में थे ना, सबे पदे सब यूज किया, इस्तेमाल सब मंत्री पद सब चला, उनको सब चला, अभी अढ़ाई साल के बाद उनका हिंदुत्व जाग गया। ये धर्म के मुद्दों पे सिर्फ धर्म का मुद्दा बनाना है और बाकी सब चीजें छोड़ के इनको धर्म, मस्जिद बन रहा है या मस्जिद टूट रही है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, सब इसी पे मुद्दा चल रहा है। बाकी जो जो जनता को जो चाहिए ना, उसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रही है ना। रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया। कोई पत्रकार पूछ रहा है क्या कि रेलवे क्यों बेचा? कोई पत्रकार पूछ रहे रेलवे क्यों बेचा? जितने गवर्नमेंट ने संस्थाएं जो बनाई थी, कंपनियां बनाई थी, वो सब विदेशी बेचा जा रहा है। कुछ साल पहले आप गौतम अडानी का हिस्ट्री देख लो ना, कौन थे वो, कौन जानता था उनको? दो नंबर पे हैं। आज अब पूरे देश में दो नंबर पे, कहां से आ गए इतने जल्दी, जो उसके ऊपर करोड़ों अरबों का कर्जा है उसके ऊपर, फिर वो दो नंबर कहां से आ गए? वो मेहनत कर रहे हैं ना वो। अगर ये 2 लाख कर्जा ले लेंगे तो 4 साल दे नहीं पाएंगे, तो 4 साल में इतने ऊपर वो कैसे आ गए? किसी ने पूछा उनको कि दूसरे व्यापारी नहीं है? ये भी तो छोटे व्यापारी है ना, बड़े बन सकते हैं ना। कोई पूछ रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी का आके इनको कि आ जाओ कहीं मोदी जी दुकान लगा के दे देंगे? ये तो ठेला इधर लगा रहे रोड पे, इसके ऊपर कुछ विकास करना है ना, तो इनका विकास कैसा करोगे? रस्ते पे ठेला लगा के दुकान दिलवा दो, आवास योजना में से दुकान दिलवा दो। बताइए अब थोड़ा सा, आपने इतना सारा कुछ बोला, अभी कुछ खरीदारी करेंगे? कुछ गलत लगा आपको? नहीं भाई, जनता है, जनता के मन की बात निकल रही है। मोदी जी तो मन की बात टीवी पे बोल देते हैं। मुझे जरूरत है ना, मेरे परिवार को जरूरत है। अभी ये 200 की देंगे तो मुझे 200 की लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर 190 पे आएगी तो वो 100 की तो मुझे देंगे नहीं। सीधी सी बात है, तो खरीद पीछे से भी महंगाई आई हो ही रही है ऑब्वियसली। तो क्या उसको 10 में थोड़ी मिल रहा है, वो 200 में दे रहा है मुझे? वो थोड़ी मोदी जी है, 10 की चीज 200 में बेच रहे, समझ लीजिए बात को। तो ये देखिए, ये जनता की आवाज है जो अंदर से निकल रही है, लेकिन मोदी जी मन की बात टीवी पर बैठ के करते हैं, लेकिन जनता की आवाज जानने के लिए कौन उतरेगा, कौन आएगा कि इनके मन की बात सुनने के लिए कौन आएगा? मोदी जी तो मन की बात सुना देते हैं, लेकिन जनता की जो मन की बात है वो कौन सुनेगा और किस तक पहुँचाई जाएगी ये बात? तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, सरोजिनी नगर मार्केट, दिल्ली।